गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माई सेल्फ गिरीश सेवकानी दोस्तों आज एक ऐसे इंसान के बारे में आप सबको बताऊंगा जिसने पिछले कुछ सालों से YouTube पे अपना दबदबा बना के रखा है He is number टू YouTuber in India and he is in first one in Maharashtra to win diamond button as an individual YouTube creator. Social media एक ऐसी चीज है अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए ना तो आप अपने आप में बदलाव ला सकते हो समाज में बदलाव ला सकते हो और पूरे कंट्री में बदलाव ला सकते हो और इसके काफी सारे लाइव एग्जाम्पल्स हमने देखे बाबा का ढाबा सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलरिटी मिली सपोर्ट मिला रानू मोंडल फेम मिली पॉपुलरिटी मिली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड रिसेंटली हमने देखा बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो काफी पॉपुलरिटी मिली फेम मिला जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इस लॉकडाउन में काफी सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल चालू किए और उसमें से मैं भी एक हूं बट जब ये YouTube चैनल चालू करने के वक्त ना एक सवाल हमेशा काफी लोगों को आता है और उन्होंने काफी लोगों ने मुझे भी ये पूछा कि इज इट गुड टू स्टार्ट YouTube चैनल और जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले आठ महीने का मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ऐसा है YouTube इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने स्किल्स टैलेंट हाईलाइट कर सकते हो अगर आप कैमरा शाय पर्सन हो अगर आप कॉन्फिडेंस में लैक करते हो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने तो YouTube इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहां पे आपको ये तीनों एरियाज पे आप फोकस कर सकते हो काम कर सकते हो बट एक कंडीशन के साथ यू शुड बी ओपन टू बिकॉज YouTube एक ओपन है तो कोई भी आपको ओपनली क्रिटिसाइज कर सकता है गलत कमेंट्स दे सकता है आपके वीडियोस के ऊपर आपके वीडियोस को डिसलाइक कर सकते अगर आपको इन बातों का फर्क नहीं पड़ता है इफ यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड इफ यू कैन एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म आई वुड रिकमेंड यूट्यूब इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना टैलेंट स्किल्स हाईलाइट कर सकते हो शोकेस कर सकते हो और जब कोई भी यूट्यूब चैनल चालू करता है या आज के नए जनरेशन को ये काफ़ी रहता है कि हमें यूट्यूबर बनना है और तुरंत पैसे कमाना है बट दोस्तों जितना मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी कम एक्सपीरियंस है मुझे बट जितना भी एक्सपीरियंस है इसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है और जब बात YouTube की आ गई है तो मैंने सोचा कि एक ऐसे इंसान के बारे में आपको स्टोरी बताओ एक ऐसे इंसान की लाइफ स्टोरी बताओ जिसने अपने स्किल्स से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है विथ इज यूनिक स्टाइल ऑफ एक्टिंग विथ एक यूनिक कंटेंट आज हम बात करने वाले वन ऑफ द टॉप टेन यूट्यूबर इन इंडिया जिसका नाम है आशीष चंचलानी फेमस फॉर इज यूट्यूब चैनल आशीष चंचलानी वाइन्स आशीष चंचलानी का जन्म उल्लास नगर में हुआ 8 दिसंबर 1993। अनिल चंचलानी एंड ही ओनर ऑफ अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स इन उल्लासनगर बचपन में मैं काफी अशोक अनिल टॉकीज में जाता था मूवीज देखने के लिए मैंने काफी मूवीज वहां पे देखी है बट मुझे कभी भी नहीं पता था दट ओनर इज फादर ऑफ आशीष आशीष को बचपन से ही एक्टर बनने का काफी शौक था बचपन से ही उसे मूवीज में काफी इंटरेस्ट था चाइल्डहुड से ही अक्षय कुमार को अपना रोल मॉडल बना लिया था बट आशीष को कभी भी स्कूल फंक्शंस में स्कूल शोज में पार्टिसिपेट करने को चांस नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ हिस फैट बॉडी बिकॉज बीइंग ओवरवेट मोटापे की वजह से आशीष को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी अपने स्कूल शोज में स्कूल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बट कहा जाता है ना वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे एक दिन आशीष अपने पीटी टीचर की मिमिक्री कर रहे थे क्लास में और वहां से उसके सोशल स्टडीज के प्रोफेसर गुजर रहे थे अब उस प्रोफेसर ने आशीष को देख लिया मिमिक्री करते वक्त पहले तो थोड़ी डांट पड़ी बट आगे जाके दिस प्रोफेसर रेकमेंडेड नेम फॉर मेनी ऑफ द स्कूल फंक्शन आशीष को कुछ डायलॉग्स दिए गए कुछ स्क्रिप्ट दिए गए और आशीष ने आगे चल के काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिए बिकॉज ऑफ विच वॉल स्टाफ एप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस एप्रिशिएटेड हिज यूनिक स्टाइल ऑफ एक्टिंग और कहता है ना कि कभी कभार आपका काम ही आपके लिए मोटिवेशन सर्स करता है योर वर्क सर्वस एज़ एन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन दोस्तों यहां पे मैं अपने लाइफ का भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली एक बार टू गिव स्पीच एट रविंद्र नाट्य मंदिर दादर इन फ्रंट ऑफ 650 प्लस क्राउड और दोस्तों जब ये 650 से भी ज्यादा लोग आपके लिए तालियां बजाते ना दैट फीलिंग इज नॉट लेस देन अ सेलिब्रिटी एंड दिस सेम परफॉर्मेंसो टूडे सो एज ए मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर मी जिसकी वजह से आज ही यूट्यूब पे सारे वीडियोज में ले सकता हूं जिसकी वजह से आज में कॉलेजेस में ट्यूशंस में कोचिंग क्लासेस में सेशन लेता हूं आशीष के लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया जहां पर ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड एक वो उसने अपने पापा से भी कह दिया कि मुझे स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है मुझे एक्टिंग करनी है सिंस हिस फादर इज एन बिजनेस मैन उसके पापा को पता था कि एक्टिंग में करियर कब क्लिक करेगा पता नहीं एक्टर बनने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं बनेगा भी नहीं कुछ आइडिया नहीं है एंड दैट्स द रीजन हिज फादर मेड हिम अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आगे चल के आशीष ने अपना कंप्लीट किया साइंस में और आगे चल के इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया एट दत्ता कॉलेज अब यहां भी इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेने के बाद आशीष वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडीज उसे तो शौक था सिर्फ एक्टिंग का इसलिए साइमल्टेनियसली वाज टेकिंग डिग्री इन एक्टिंग आल्सो ही डिड एक्टिंग कोर्स फ्रॉम बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल इसी वक्त आशीष ने एक छह सेकंड का वीडियो देखा डेविड लॉकपेज नाम के बंदे का फेसबुक पे और ये वीडियो देखने के बाद आशीष काफी हंस हंस के पागल होने लगा एंड उसने सोचा कि इस तरह के वीडियो इंडिया में क्यों नहीं बनते एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ आशीष आगे चल के आशीष ऐसे छोटे छोटे कॉमेडी वीडियोस बनाने लगे और सोशल मीडिया पे अपलोड करने लगे इनिशियली स्टार्टेड विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आगे चल के ही मूड ऑन टू यूट्यूब ही स्टार्टेड अपलोडिंग विडियोज ऑन यूट्यूब इसी बीच आशीष वॉज ऑल्सो मेड द इवेंट हेड ऑफ इस कॉलेज जिसकी वजह से आशीष को काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिली टू होस इवेंट्स एंड दोस्तों इसलिए मैं भी कहूंगा कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके कॉलेज के कमिटीज में पार्टिसिपेट करना काफी बार हमें लगता है कि सिर्फ मार्क्स 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 आर इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ बट दोस्तों ये जो कॉलेजेस की कमिटीज होती है यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है जहाँ के आपके निगोशिएशन स्किल्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपका कॉन्फिडेंस काफी इम्प्रूव होता है सो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक पार्ट इन द कमिटीज ऑफ कॉलेज और दोस्तों वैसे तो आशीष ने अपना YouTube चैनल चालू किया था 2009 में बट ही अपलोडेड इज फर्स्ट वीडियो इन द ईयर 2014 एंड इस फर्स्ट वीडियो वॉज हाउ टू अनॉय पीपल हु से तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है इनिशियली आशीष की मॉम यूज टू रिव्यू हिज वीडियोज आशीष की मॉम आज भी उसके वीडियोज रिव्यू करती है पहले तो उसके मम्मी को लगता था कि मेरा बेटा पागल तो नहीं है कि ये सब क्या कर रहा है बट एट द एंड हिज मॉम हिज डैड हिज होल फैमिली सपोर्टेड इन वॉट ही वॉज डूइंग एंड आज हमें पता है कि आशीष चंचनाली इज अ होम हाउस होल्ड नेम हर किसी के लफ्जों पर आशीष का नाम होता है फॉर इज यूनिक कंटेंट फॉर इज यूनिक स्टाइल ऑफ कॉमेडी एंड आज आशीष की फैन फॉलोइंग इज नोन बाय द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन इस यूट्यूब चैनल आज आशीष के चैनल पर काफी बड़े बड़े स्टार्स आके गए हैं वी एव सीन बॉलीवुड स्टार्स लाइक अक्षय कुमार शाहिद कपूर कमिंग ऑन इज चैनल एंड प्रोमोटिंग देयर फिल्म आज आशीष के यूट्यूब चैनल पर 25 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है फेसबुक पे 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे 11 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इससे ही हमारे पता चलता है कि आशीष चंचलानी की कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड द इंडिया अल्सो आशीष इज अ बिग मार्वल फैन एंड आप सबको पता होगा कि मार्वल ने अपनी एक मूवी इंडिया में प्रमोट की थी थ्रू आशीष ओनली आशीष ने अपना एक केम्यो परफॉर्मेंस दिया है इन द मूवी मेन इन ब्लैक ऑल्सो और अपने दम पे आशीष को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं आशीष को दादा साहेब फालके अवार्ड मिला है फॉर बीइंग द बेस्ट डिजिटल इन्फ्लुएंसर आशीष हैज गॉट द बेस्ट कॉमेडियन इन्फ्लुएंसर अवार्ड एट वर्ल्ड्स ब्लॉगर्स अवार्ड केन्स और आशीष हैज हैज्सो एक्टेड इन वन ऑफ द वेब सीरीज बाय द नेम क्लास ऑफ ट्वेंटी सेवनटीन विच वॉज होस्टेड बाय अल्ट बालाजी सो दोस्तों आखिर में आशीष चंचनाली के लाइफ स्टोरी से आप सबको क्या कहना चाहता हूं दोस्तों अगर आप पूरी लाइफ स्टोरी देखोगे आशीष की फेमस यूट्यूबर इज अ टॉप टेन यूट्यूबर इन इंडिया ही फॉलोड हिज पैशन एंड दोस्तों काफी इंपॉर्टेंस यू आर आइडेंटिफाइड इन यूर पैशन जस्ट गो आफ्टर यूर पैशन दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को राइट फ्रॉम डे वन अपना पैशन पता चल जाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काफी लाइफ के धक्के खाने के बाद अपना पैशन आइडेंटिफाई होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी पैशन नहीं होता है। अगर आपने अपना पैशन आइडेंटिफाई कर लिया है तो जस्ट गो एंड हंड्रेड परसेंट टू इट दोस्तों कभी भी में गिल्ट कैरी कर करके चलना काफी हो जाता है अगर आपने अब तक अपना पैशन आइडेंटिफाई नहीं किया है तो दोस्तों जो काम आप अभी कर रहे हो राइट नाउ गिव यू आर हंड्रेड परसेंट इन दैट वर्क रिजल्ट जरूर आएंगे और जैसे कि हमने आशीष के लाइफ में देखा आशीष को इनिशियली स्कूल शोज स्कूल फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने मिल रहा था जस्ट बिकॉज ही ओवर वेट बट दोस्तों आशीष एक्सेप्टेड हिज बॉडी द वे ही ही ऑन इट एंड क्रिएटेड सो दोस्तों बस यही कहूंगा एक्सेप्ट यूर सेल्फ यू आर वर्क हार्ड आइडेंटिफाई योर पैशन वर्क ऑन योर पैशन जस्ट गिव यूर हंड्रेड परसेंट डोंट गिव अप दोस्तों इस वीडियो रिलेटेड आपसे कुछ कहना चाहूंगा मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है संघर्ष जितना गहरा होता है जीत भी उतनी ही शानदार होती है दोस्तों आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा अगर दिल से पसंद आया और अगर आप आशीष के फैन हो तो लाइक जरूर करना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना टिल देन बी सेफ बी हेल्दी टेक केयर एंड बाय